आज के वीडियो की भी शुरुआत करते हैं एक सिचुएशन से। कुछ समय पहले एक काउंसलर के पास एक लेडी आई। उन्होंने कहा काउंसलर से कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं हमेशा जो है ना अपनी मदर के बारे में सोचती रहती हूँ, जिनके कुछ समय पहले मतलब 5-6 महीने पहले कोविड की वजह से डेथ हो गई। इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रहने लग गई हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई हूँ, और मेरा बेटा भी है जो मेरी आदत से काफ़ी परेशान रहने लग गया। वो जब भी कुछ खाता है तो मैं उसको टोकती रहती हूँ, उसको कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, और इसकी वजह से हमारे बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो जब काउंसलर ने उनसे कुछ बातें पूछी, कुछ पता किया, तो उन्होंने कहा कि आप अपने बेटे को क्यों बीच बीच में टोकते हो खाने के लिए। तो उसने फिर उन्होंने बताया कि मेरी मदर जो थी ना वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी थी, ओवरवेट थी, और मेरा बेटा भी जो है ना वो ओवरवेट है। तो कहीं ना कहीं ये पता चला कि इस लेडी को अपने बेटे के बारे में बहुत डर लगने लग गया था, क्योंकि मेरी मदर हेल्दी थी, मोटी थी, और कोविड से वो रिकवर नहीं कर पाई। तो उनके मन में एक डर बैठ गया था कि कहीं ऐसा कुछ मेरे बेटे के साथ ना हो जाए। तो वो इतनी ज़्यादा वरिड हो गई थी कि वो अपने बेटे को हर चीज़ में टोकने लगी थी। पहले तो वो खुद ही उसको हर चीज़ खाने देती थी, इतनी ज़्यादा हेल्थ के लिए कंसर्न नहीं होती थी, पर इस इवेंट के बाद एकदम ही उनकी जो है सोच बदल गई, और वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गई और डरने लग गई। तो फिर यहाँ पे जो काउंसलर का रोल है वो है सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को समझना। कई बार जो क्लाइंट आता है उसे खुद ही नहीं पता होता कि एक्चुअल रीज़न क्या है। तो रोल ऑफ अ काउंसलर क्या होता है कि सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर पाना कि किसी भी इंसान को एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, उसका रूट कॉज क्या है, फिर उसके बाद उस क्लाइंट की मदद करना। तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रैशनल इमोटिव थेरेपी की, जिसमें हम बात करेंगे रोल ऑफ अ काउंसलर और वो कौन से गोल्स हैं जो इस थेरेपी से अचीव किए जाने की कोशिश की जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रैशनल इमोटिव थेरेपी, जिसमें हम जानेंगे द रोल ऑफ अ काउंसलर और कौन से गोल्स हैं जो इस थेरेपी में अचीव करने की कोशिश की जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो काउंसलर का रोल है ना वो बहुत एक्टिव रोल है और बहुत डायरेक्ट रोल है। मतलब वो बार बार जब भी क्लाइंट कोई भी बात बताएगा तो उससे एक्टिवली क्वेश्चन पूछेंगे और पूछेंगे कि क्यों आपने ऐसा सोचा, क्योंकि यहाँ पे कॉग्निटिव मतलब बिलीफ सिस्टम पे, थिंकिंग पे, लॉजिक पे, रीजनिंग पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है काउंसलर का वो सबसे पहले है आइडेंटिफाई करना बिटवीन अ रैशनल एंड अ इरैशनल थॉट। मतलब कोई भी लॉजिकल सही सोच और एक इलॉजिकल और गलत सोच के अंदर डिफरेंशिएट कर पाना, और क्लाइंट को ये बता पाना कि यहाँ पे आपकी सोच गलत है और यहाँ पे अब आपको अपने बिलीफ सिस्टम को, अपनी सोच को, अपनी रीजनिंग को और अपने लॉजिक को चेंज करने की जरूरत है। तो यहाँ पे दिए गए हैं 5 मेजर रोल जो एक काउंसलर के अंदर होने चाहिए जब वो क्लाइंट की हेल्प करता है। तो सबसे पहले है ब्राइट। एक तो जो काउंसलर है वो ब्राइट होना चाहिए, मतलब वो इतना समझदार होना चाहिए कि वो सिचुएशन को समझ सके, सिचुएशन को एनालाइज कर सके और ये जान सके कि एक्चुअल जो रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है नॉलेजेबल। मतलब काउंसलर जो है नॉलेजेबल होना चाहिए, उसे समझ होनी चाहिए, उसे आसपास के एनवायरनमेंट की, सिचुएशन की, इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है एम्पैथेटिक। ये तो हर काउंसलर की क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब कि वो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सके, क्लाइंट ने ऐसा क्यों बिहेव किया है, उसे उसके पॉइंट ऑफ व्यू उसकी दुनिया में एंटर कर सके, मतलब किसी भी परेशानी को सामने वाले इंसान की नज़रों से देख पाना, समझ पाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का क्या मतलब है कि कंटिन्यूसली वो उनकी बात को समझे, जो भी परेशानी है उसे एनालाइज करे और कंटिन्यूसली जो भी लॉजिकल थॉट्स हैं और इरेशनल थॉट्स हैं उनके अंदर डिफ्रेंशिएट कर सके और बार बार जो है क्लाइंट को समझा सके कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है अब हमें यहाँ पे खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है साइंटिफिक। मतलब कि जो काउंसलर उसे साइंटिफिक होना चाहिए, मतलब जो भी वो बात बोल रहा है उसके पीछे कोई ठोस रीज़न होना चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए और कुछ लॉजिक होना चाहिए। ये नहीं कि वो एज अ अपनी सोच क्लाइंट के ऊपर थोपता रहे, नहीं, जो भी वो पॉइंट बोल रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए और कुछ ना कुछ रीजनिंग होना चाहिए। अगर काउंसलर के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं तभी वो एक क्लाइंट की मदद कर सकता है।
अब बात करते हैं कि रैशनल इमोटिव थेरेपी में कौन से ऐसे गोल्स हैं जिन्हें अचीव करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे जो सबसे प्राइमरी गोल है ना, वो है किसी भी इंसान की इरैशनल थॉट्स को, उसके ऐसे बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करना जो उसे परेशान कर रहा है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि 11 ऐसे बिलीफ सिस्टम हैं, अगर कोई इंसान बार बार ऐसी सोच रखता है तो डेफिनेटली उसको परेशानी होती है। ना वो सिर्फ खुद परेशान होता है बल्कि जो उसके आसपास के लोग हैं वो भी उसकी सोच की वजह से, उसके बिलीफ सिस्टम की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले रोल ऑफ अ काउंसलर या फिर उसका गोल यही होता है कि किसी भी इंसान की इरैशनल थॉट्स को या फिर इरैशनल बिलीफ को ब्रेक करना। फिर जब किसी भी इंसान की रैशनल थॉट्स या बिलीव ब्रेक हो जाते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़िंदगी में बढ़ जाती है, उसकी लाइफ का पर्पस निकल आता है, वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है और कुछ अचीव करना चाहता है। तो पहले इरैशनल थॉट्स को ब्रेक करना, उसके बाद उसकी लाइफ को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना। उसके बाद जो सेकेंड मेजर गोल है वो ये है कि कोई भी इंसान ना, अब उसे पता है कि जब ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन आती है ना तो वो हमेशा मिसबिहेव करता है। फॉर एग्जांपल अगर एक एम्प्लॉई है, जब भी उसका बॉस उसको गुस्सा करता है तो वो अपने बॉस के ऊपर तो गुस्सा नहीं निकाल पाता, पर वो क्या करता है, अपने घर पे जाके अपनी बीवी और बच्चों पे अपना पूरा गुस्सा निकाल देता है। कई बार बच्चों को कुछ ऊटपटांग बोलता रहता है या बीवी को कुछ ऊटपटांग बोलता रहता है और बच्चे भी परेशान हो जाते हैं कि ये कैसा है कि ऑफिस में तो कुछ बोल नहीं पाता और सारा का सारा गुस्सा जो है हमारे ऊपर घर पर आकर निकाल देता है। तो यहाँ पे फिर काउंसलर का गोल होता है कि वो इस इंसान को हेल्प करे कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी हम अपने आप को पहले से ही ट्रेन कर लेंगे कि हम ऐसा बिहेव ना करें, हम पहले से ही कुछ खुद को कूल बना लेंगे, पहले से ही सोचेंगे कि अगर मेरे बॉस ने ऐसा बोला तो मुझे उस टाइम गुस्सा ना होके बिल्कुल ठंडे दिमाग से पहले ये सोचना है कि बॉस गुस्सा क्यों कर रहा है। अगर हो सकता है कि सच में जेन्युइनली मेरी वजह से कोई परेशानी हो तो मैं अपने काम में अपने स्किल्स को बढ़ा सकता हूँ। अगर बॉस ही जेन्युइन नहीं है तो कुछ केसेस में तो जॉब भी चेंज करनी पड़ सकती है, या फिर कैसे मैं अपने टेम्परमेंट को चेंज करूँ। तो मतलब यहाँ पर हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड होना है, पहले ही अपने दिमाग में उस चीज़ को प्रैक्टिस कर लेना है जिस सिचुएशन में हम रिएक्ट करते हैं। तो ये तो हो गया इसका दूसरा गोल। अब यहाँ पे होता है ए बी सी डी ई एफ मॉडल। तो क्या है ये मॉडल, सबसे पहले समझते हैं इसको। सबसे पहले ए का मतलब होता है एक्टिवेटिंग इवेंट। एक्टिवेटिंग इवेंट का मतलब होता है कि कौन से इवेंट के कारण ये सिचुएशन आई, ये परेशानी आई। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एम्प्लॉय था पर उसकी प्रमोशन नहीं हुई तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, तो ये तो हो गया एक्टिवेटिंग इवेंट कि उसने सोचा था कि मेरी प्रमोशन होगी और प्रमोशन नहीं हुई और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर बी आता है बिलीफ। अब जब उसकी प्रमोशन नहीं हुई तो उसने क्या बिलीफ सिस्टम बनाया, उसने बिलीफ सिस्टम बनाया कि मेरा जो मैनेजर है ना वो एक अच्छा इंसान नहीं है, ये हमेशा पार्शियल है, तो ये उसने उस इवेंट से ये बिलीफ सिस्टम बनाया। उसके बाद आता है सी। सी का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस इमोशनल एंड बिहेवियर। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया, उसने जो है कंप्लेंट कर दी अपने मैनेजर के लिए कि मेरा मैनेजर जो है वो गलत काम करता है, उसने मुझे प्रमोशन नहीं दी, वो दूसरे लोगों की तरफ बायस्ड है, उसने एचआर में ये जो है सिनेरियो रेज कर दिया। तो ये तो हो गया उसका कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब उसने जो बिलीव बनाया उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस में। अब ये कॉन्सिक्वेंसेस सही नहीं हो सकते, ये बिहेवियर गलत भी हो सकता है। अगर कोई बंदा इरैशनली चले जाए ज़्यादा ही, अगर उसको इतना ज़्यादा उसकी ठेस पहुंच गई प्रमोशन ना हो, एक जो एक और कंसेप्ट होता है सेल्फ इमेज और आइडल इमेज, कई बार इंसान खुद को समझता ही है पर वो होता ही है, तो अगर सेल्फ और आइडल सेल्फ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो तो बहुत परेशानी हो जाती है। अब ये एम्प्लॉय इतना अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर रहा अपने काम में पर उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी वजह से वो इरैशनल तरीके से बिहेव करता जा रहा है। तो ये तो हो गई ए बी सी, मतलब इवेंट क्या था, एक्टिवेटिंग इवेंट क्या था, प्रमोशन नहीं हुई। उसके बाद उसका बी नंबर पे था उसका क्या बिलीफ सिस्टम बना कि मेरा मैनेजर अच्छा नहीं है, अपने से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सी क्या हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, मतलब उसके बिहेवियर में क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए। अब यहाँ पे डी ई एफ ये हैं गोल्स, कैसे यहाँ पे काउंसलर हेल्प करेगा। तो सबसे पहले जो काउंसलर है उसके बिलीफ को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, वो उसको बोलेगा कि तुम एनालाइज करो कि क्या सच में तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, अगर दो इंसान है तो क्या जिसकी प्रमोशन हुई है तुम उसकी तरह एक्टिव थे, क्या तुम उतना टाइम ऑफिस में लगाते थे कि नहीं। तो यहाँ पे वो सबसे पहले उसे क्वेश्चन करेगा और उसके बिलीफ को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद ई इफेक्ट है, फिर उसके बाद नई रीजनिंग उसको देगा कि
आपको ऐसा सोचना चाहिए था, आपको ऐसा बिहेव करना चाहिए था, आपको अपने मैनेजर के साथ वन टू वन बात करनी चाहिए थी, उससे पूछना चाहिए था कि क्यों मेरी प्रमोशन नहीं हुई और अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ जिससे कि मेरी प्रमोशन हो जाए। तो उसको पहले ये अपना पुराना गलत बिलीफ सिस्टम ब्रेक करने के लिए कहा, फिर उसको एक इफ़ेक्टिव रैशनल थिंकिंग सोचने के लिए प्रमोट किया, और उसके बाद है एफ, दैट इज़ न्यू फीलिंग। न्यू फीलिंग जब उसको ये सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं तो फिर उसकी फीलिंग जो है, कहीं ना कहीं वो हर्ट हुआ था, वो उसको मैनेजर के ऊपर इतना गुस्सा था, तो वो उसकी फीलिंग जो है चेंज होके ज़्यादा समझदारी वाली फीलिंग्स आ जाएगी। मतलब वो सोचेगा कि अब क्या करना है, मतलब अब ये जो हो गया इसको छोड़ो, अब मुझे अगले साल कैसे प्रमोशन लेनी है, क्या मैं अपने स्किल्स को बढ़ाऊं, क्या मैं अपने काम में कुछ और चीज़ें ऐड करूं, या फिर मैं क्या अपने मैनेजर के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाऊं। ये तो नहीं है कि मेरे कम्युनिकेशन मैं उतने अच्छे से नहीं कर पाता हूं जिससे कि मेरे मैनेजर मुझे उस तरीके से एनालाइज नहीं कर पाता जैसे कि मैं समझता हूं। तो ये हो गया ए बी सी डी ई एफ मॉडल। ए बी सी तो मतलब प्रॉब्लम क्या है, डी ई एफ में हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो ये थे गोल्स जो रैशनल इमोटिव थेरेपी में अचीव किए जाते हैं। उसके बाद कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है वो हम जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं लाती रहूँगी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव से वीडियोस। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी को हेल्प कर सकता है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका, विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस, टेक केयर, बाय, थैंक यू।